rise up to the world of luxury. Our today's project is all about luxurious living. So before disclosing you with more details, let's first have the glimpse. नहीं चलता साहब, बस रास्ता अपने घर का होना चाहिए। Hello everyone, this is me Jolly and I welcome you all to our channel Tri-City Property Guru. We at Tri-City Property Guru showcase you amazing properties of Tri-City ताकि आप अपने घर बैठे बैठे अपने बजट का घर, अपने सपनों का घर खरीद पाएं। तो आज की जो हमारी प्रॉपर्टी है, इट इज रेसिडेंशियल, जिसकी लोकेशन है अंबाला चंडीगढ़ हाईवे जीरकपुर में। साथ ही साथ ये PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड से भी एडजॉइंड है, जिसका मतलब है इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है। यहाँ से आप नेबरिंग स्टेट्स, बी एट दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सारी जगहों से आपको यहाँ से सीधा एक्सेस मिलता है। साथ ही साथ इफ आई टॉक अबाउट नियर बाय हॉटस्पॉट्स एंड प्लेसेस, तो सभी मेजर स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड शॉपिंग मॉल्स प्रोजेक्ट से 5 to 10 minutes की ड्राइव पर रहेंगे। सो अगर अब मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो दिस इज द एक्चुअल मॉडल ऑफ आर प्रोजेक्ट। पूरा प्रोजेक्ट रहेगा आपका 5 acres की लैंड में, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 1 acre में रहेगा आपका ग्रीन एरिया। जी हाँ, 1 acre में रहेगा आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एरिया। सो दिस इज द मेन एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ द टाउनशिप। टाउनशिप के अंदर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ टावर्स हैं। यहाँ दोनों तरफ के टावर्स के बीच का डिस्टेंस रहेगा 84 feet वाइड का डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कंजेस्टेड फील नहीं होगा। साथ ही यहाँ पर S+4 का कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया है एंड टोटल अपार्टमेंट्स रहेंगे 200 अपार्टमेंट्स। बोथ साइड ओपन अपार्टमेंट्स हैं, बीच में रहेगा पार्क। सिर्फ 1 acre के एरिया, 1 acre के एरिया में रहेगा आपका पार्क, जिसमें कि आपको मिल रहा है किड्स प्ले एरिया, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक। विद दैट, पार्क के दोनों तरफ रहेंगे इंटरनल रोड्स, जो कि 26 feet वाइड इंटरनल रोड्स रहेंगे। आगे आते हैं तो देख, यहाँ पर रहेगा आपका क्लब हाउस। यहाँ पर आपको 5 acres के लैंड पैच में सिर्फ और सिर्फ 10,000 square feet के एरिया में क्लब हाउस मिल रहा है, जिसमें कि आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दिए जा रही हैं। यहाँ पर रहेगा आपका स्विमिंग पूल, पूल एरिया, गैदरिंग एरिया। विद दैट, यहाँ पर आपको सारे इंडोर गेम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आगे आते हैं, यहाँ पर रहेगा आपका आउटडोर गेम्स का स्पेस। यहाँ रहेगा आपका ओपन जिम। विद दैट, आपको बैडमिंटन कोर्ट एंड टेनिस कोर्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। विद दैट, इस टाउनशिप का एक और प्लस पॉइंट है, यहाँ आपको मिल रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट, ड्राइवर्स डॉर्मेट्री एंड डे केयर फैसिलिटी। तो अब मैं आपको सीधा लेकर चलती हूँ हमारे सैंपल अपार्टमेंट में। सो दिस इज द एक्चुअल लॉबी एरिया ऑफ योर 3 BHK अपार्टमेंट। यहाँ आप लिफ्ट और स्टेयरकेस से एक्सेस कर सकते हैं। एक फ्लोर पर 2 अपार्टमेंट रहेंगे, जिसका साइज रहेगा 1737 square feet। तो अब चलते हैं अपार्टमेंट के अंदर। And this is the entrance of your 3 BHK apartment, जिसकी एंट्री होगी आपकी थ्रू दिस वुडन डोर एंड एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही रहेगा आपका ड्रॉइंग एरिया। सो दिस इज द ड्रॉइंग एरिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने 7-seater सोफा सेट फिट किया है। उसके बाद भी अगेन काफ़ी अच्छा मूवमेंट का स्पेस है। यहाँ रहेगी आपकी AC की डक्टिंग एंड पीछे आप जो मेरे विंडो देख रहे हैं, ये रहेगी आपके बालकनी का एक्सेस, जो कि आपकी फर्दर बेडरूम नंबर 1 से भी कनेक्टेड रहेगी। तो ये ड्रॉइंग एरिया एंड बेडरूम नंबर 1 की कॉमन बालकनी रहेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने गोल्डन थीम दिया हुआ है, गोल्डन एंड क्रीम थीम से इसको डेकोरेट किया है, इसको डिज़ाइन कराया है, जो कि बहुत ही रॉयल एंड बहुत ही अच्छा यूनिक लुक दे रहा है। सो यू नो, यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस और यू कैन टेक आइडिया फ्रॉम दिस एंड आप भी ऐसा ही ड्राइंग रूम बना सकते हैं अपने। सो इसी के साथ आप जैसे ये टाइल्स देख रहे हैं, पूरे अपार्टमेंट में ऐसे ही टाइल रहेंगे। पूरे अपार्टमेंट में आपको सेरेमिक टाइलिंग मिल रही है। विद दैट, आप जैसे ये फॉल्स सीलिंग देख रहे हैं, सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड की जाएगी। एंड ड्राइंग एरिया के साथ ही रहेगा आपका डाइनिंग एरिया। सो दिस इज द डाइनिंग एरिया ऑफ योर अपार्टमेंट। कितने अच्छे तरीके से इन्होंने इसको यूज किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ इन्होंने 3 chair लगाई है। विद दैट, सोफा सेट की तरह यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है, काफी अलग है, काफी यूनिक है। यू नो, आप इससे भी आइडिया ले सकते हैं
बहुत ही यहाँ पर कोजी तरीके से आप अपना डिनर, लंच एंड ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने 5 सीटर डाइनिंग टेबल लगाई है एंड डाइनिंग एरिया के बिल्कुल साथ ही रहेगा आपका किचन। सो दिस इज योर मॉड्यूलर किचन जो कि आपकी डाइनिंग के बिल्कुल साथ रहेगा। तो यहाँ आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनेगा और यहाँ आपको सर्व किया जाएगा। विद दैट पूरे किचन में ग्रेनाइट का काउंटर बना हुआ है। साथ ही आप ये स्पेस को देखिए, इसे इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया है। यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम्स पुट किए हैं। सो अगैन आप भी चाहें तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। विद दैट आप जैसे ये कैबिनेट्स देख रहे हैं, बोथ अपर एंड लोअर कैबिनेट सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सारे कैबिनेट्स आपके हाइड्रोलिक ओपनर्स एंड क्लोजर्स के साथ हैं। साथ ही सॉफ्ट क्लोजर के साथ भी हैं। तो यहां रहेगा आपका चिमनी का स्पेस, विद दैट ऊपर रहेगा आपका एग्जॉस्ट फैन का स्पेस। साथ ही साथ आपको वेंटिलेशन एंड लाइट के पर्पस के लिए यहाँ पे विंडो भी प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही यहाँ पर मिल रहे हैं आपको ड्यूअल सिंक, जिसमें ये रहेगा आपका आरओ का टैप और प्रोविजन रहेगा आरओ का आपका नीचे, एंड ये रहेगा आपके बर्तनों के लिए टैप। विद दैट ये स्पेस आप देख सकते हैं, ये रहेगी आपका रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस। तो ये रही आपकी मॉड्यूलर किचन, ये था आपका डाइनिंग एरिया और मैं आपको ड्राइंग एरिया भी दिखा चुकी हूँ। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ फर्स्ट बेडरूम में। सो दिस इज योर बेडरूम नंबर 1। सबसे पहले मैं आपको उसका साइज बता दूँ, ये रहेगा आपका 11x13 स्क्वायर फीट के साइज में। काफ़ी बड़ा बेडरूम है ये, काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्पेशियस है। देख सकते हैं आपकी यहाँ पे किंग साइज बेड फिट किया है, दोनों तरफ साइड टेबल्स लगाई हैं, उसके बाद भी मूवमेंट का बहुत ज़्यादा अच्छा स्पेस है यहाँ पर। साथ ही आप मेरे पीछे जो ये कवर्ड देख रहे हैं, ये आपको एज इट इज़ प्रोवाइड की जाएगी। जी हाँ, तीनों रूम्स में आपको कवर्ड प्रोवाइड की जा रही हैं। काफी अच्छा स्पेस है कबर्ड के अंदर, आपका सारा सामान इसमें इजिली स्टोर हो सकता है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने एक चेयर भी फिट की है, तो यानी कि मूव काफी अच्छा स्पेस था। तो आप यहाँ पे चाहें तो ऐसा ही काउच, एक या दो काउच इजिली यहाँ पर आ जाएंगे। ये रहेगा आपका LED पैनल का स्पेस। विद दैट यहाँ रहेगी AC की डक्टिंग एंड इस रूम की अटैच्ड वॉशरूम ये रहेगी। सो दिस इज द वॉशरूम, ये आप जैसे कि देख रहे हैं सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये टाइलिंग जैसी है सेम एज इट इज रहेंगी, फ्लोर टाइलिंग सेम एज इट इज रहेंगी, साथ ही साथ पूरे वॉशरूम में प्रीमियम फिटिंग्स इंक्लूडेड रहेंगी। आप जो मेरे पीछे ये स्पेस देख रहे हैं, ये रहेगा आपका बालकनी का एक्सेस। तो चलते हैं आप बालकनी में। एंड दिस इज योर 6 feet wide बालकनी। बालकनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा स्पेस है इस बालकनी में। पूरे आपको अपार्टमेंट में UPVC टफन ग्लासेस मिल रहे हैं जो कि साउंड प्रूफ एंड वाटर प्रूफ रहेंगे। तो बालकनी के साथ मिल रहा है आपको ये पार्क का व्यू। पार्क के दोनों तरफ रहेंगे आपके 26 feet wide इंटरनल रोड्स। साथ ही आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा स्पेस था बालकनी के। यहाँ पर इन्होंने सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आप चाय की चुस्की ले सकते हैं और सामने देखेंगे एक बहुत ही सीरीन व्यू। This was our bedroom number 1। और अगर आप हमारी वीडियो के साथ अभी तक बने हुए हैं, हमें अभी तक देख रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल ट्राई सिटी प्रॉपर्टी गुरु को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैंने आपको बेडरूम नंबर 1 दिखा दिया है, अब मैं आपको लेके चलती हूँ बेडरूम नंबर 2 में। एंड दिस इज योर बेडरूम नंबर 2। इसका भी साइज रहेगा आपका 11x13.5 स्क्वायर फीट के साइज में। सारे बेडरूम्स का साइज एक रहेगा। सो अगेन ये भी काफ़ी स्पेशियस एंड काफ़ी ह्यूज बेडरूम है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट का स्पेस है। यहाँ पर इन्होंने डेकोरेटिव आइटम बनाया हुआ है, बट अगर आप चाहें तो यहाँ पर दो काउचेस पुट कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा स्पेस है, तो इजिली आपके काउच यहाँ पे फिट हो जाएंगे। साथ ही आप जो मेरे पीछे ये देख रहे हैं स्पेस, ये रहेगा आपका बालकनी का एक्सेस जो कि आपके फर्दर बेडरूम नंबर 3 से भी कनेक्टेड रहेगी। तो ये बेडरूम नंबर 2 और 3 की कॉमन बालकनी रहेगी। एंड दिस इज योर LED पैनल स्पेस। विद दैट ये रहेगा आपका AC का डक्टिंग का पॉइंट। साथ ही ये है आपका ड्रेसिंग एरिया, ये बेडरूम से बिल्कुल साथ ही रहेगा और सेपरेट ड्रेसिंग एरिया आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जैसे कि आप इसमें ये कबर्ड देख रहे हैं, सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत ही अच्छा स्पेस है इस कबर्ड में, सारा आपका सामान इसमें इजिली स्टोर हो जाएगा। एंड ड्रेसिंग एरिया के बिल्कुल साथ ही है अटैच्ड वॉशरूम। So this is the attached washroom. इसमें आप जैसे कि टाइलिंग देख रहे हैं, सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सेम फ्लोर टाइलिंग रहेगी,
सेम वॉल टाइलिंग रहेगी, फुल लेंथ वॉल टाइलिंग है। पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि यहाँ पे वेंटिलेशन पर्पस के लिए एग्जॉस्ट फैन एंड विंडो दी गई है। साथ ही साथ यहाँ रहेगा आपका गीजर का प्रोविजन। पूरे वॉशरूम में आपको प्रीमियम फिटिंग्स दी जा रही है। जी हाँ, सो दिस वॉज आवर सेकंड बेडरूम व्हिच वॉज वेरी प्रीटी। नाउ लेट मी टेक यू टू आवर थर्ड बेडरूम। This is your third bedroom, जो कि है आपका master bedroom। ये रहेगा आपका 11x13.5 square feet के साइज में। काफी बड़ा, काफी huge and very luxurious room है ये आपका। यहाँ पर इन्होंने wooden work करवाया है। So you know, if you want, आप भी ऐसा कुछ अपने apartment में, अपने room में करवा सकते हैं। इससे बहुत ही elite look आता है। साथ ही आप मेरे पीछे जो ये cupboard देख रहे हैं, ये आपको as it is provide की जा रही है। ये full length wall mounted cupboard है। यू नो, फुल वॉल लेंथ वॉल माउंटेड कवर्स का एक फायदा होता है कि ये आपका इंटीरियर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, साथ ही साथ आपके रूम के अंदर का डेकोरम मेंटेन करके रखता है। साथ ही ये रहेगा आपका एलईडी पैनल का स्पेस विद दैट। मेरे पीछे आप जो ये एक्सेस देख सकते हैं, ये रहेगा आपका बालकनी का एक्सेस। तो अब चलते हैं बालकनी में। And this is the balcony. ये रहेगी आपकी bedroom number 2 and bedroom number 3 की common balcony. It's a 6 feet wide balcony, very huge and very spacious again. यहाँ पर आपको काफी अच्छा space मिल रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर you know sitting area बना सकते हैं। 3 से 4 chair और table आसानी से यहाँ पे fit हो सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ रहेगा आपका washing area। ये space given है for your washing purpose. With that आप देख सकते हैं कि railing की height बहुत ही अच्छी है। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए, उनकी safety के purpose के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। साथ ही ये जो मेरे पीछे आप ये स्पेस देख सकते हैं, इसको आप एज अ स्टोर एरिया यूटिलाइज कर सकते हैं। ये है आपके लिए एसी की डक्टिंग का स्पेस। विद दैट आप यहां देख सकते हैं कि यहां इन्होंने स्टडी टेबल बनाई हुई है, क्योंकि काफी अच्छा स्पेस था तो स्टडी टेबल बन गई है। साथ ही यहाँ पे एक मिरर भी लगाया हुआ है इन्होंने। आप चाहें तो यहाँ पे स्टडी टेबल लगा सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो आप यहाँ पे काउच भी लगा सकते हैं। विद दैट पीछे है अटैच्ड वॉशरूम। सो दिस इज द अटैच्ड वॉशरूम ऑफ योर मास्टर बेडरूम। ये आप जैसे देख रहे हैं सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सेम टाइलिंग रहेगी, फ्लोर एंड वॉल टाइलिंग सेम एज इट इज रहेगी। विद दैट पूरे वॉशरूम में आपको प्रीमियम फिटिंग्स मिल रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर रहेगी विंडो फॉर योर वेंटिलेशन पर्पस। So this was all about our 3BHK apartment in Zirakpur. आपको ये अपार्टमेंट कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। If you ask about me, तो मुझे ये अपार्टमेंट बहुत ज्यादा पसंद आया। इससे बहुत ही लग्जीरियस एंड बहुत ही कोजी वाइब्स आती हैं। साथ ही साथ इसकी लोकेशन कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी है। साथ ही आपको सारे मेजर स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल सब प्रोजेक्ट के बिल्कुल आसपास मिल रहे हैं। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। आवर टीम एट ट्राई सिटी प्रॉपर्टी गुरु विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू। साथ ही मैं आपको मिलती हूँ अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।